एलीन स्पाइरो एंड बाइफनाइल. व्हाट इज एलीन? जब कार्बन कंटिन्यूली पाई बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हों उसे हम एलीन कहते हैं. जब कार्बन पाई बॉन्ड के साथ कंटिन्यूली जुड़े हुए हों उसे हम एलीन कहते हैं. स्पाइरो किसे कहते हैं? जब दो रिंग्स आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हों, जब दो रिंग आपस में इस तरह से जुड़ी हुई, यहां वाले ये वाले कार्बन की तरफ ये वाले कार्बन से जुड़ी हुई हों उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्पाइरो बोलते हैं. बाइफिनाइल किसे कहते हैं? जब दो फिनाइल रिंग बीच वाले बॉन्ड से जुड़ी हुई हों उसे हम क्या बोलते हैं? बाइफिनाइल बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं? बाइफिनाइल बोलते हैं. अब हम डिस्कस करने वाले हैं एलीन, स्पाइरो और बाइफिनाइल के बारे में. एलीन को हम इस तरह समझते हैं कि C डबल बॉन्ड C. ये हो गया, इधर हमने ले लिया हाइड्रोजन, इधर भी हमने ले लिया हाइड्रोजन. अब हम ये देखते हैं कि पाई बॉन्ड हमारे पास कितने हैं. पाई बॉन्ड 1, 2, 3, 4 चार पाई बॉन्ड है. पहले वाला पाई बॉन्ड y और y प्लेन में होगा, दूसरे वाला पाई बॉन्ड z और z प्लेन में होगा, तीसरे वाला पाई बॉन्ड फिर y और y प्लेन में, चौथे वाला पाई बॉन्ड फिर z और z प्लेन में होगा. ये जो y वाला पाई बॉन्ड है, इस तरह देखिए कि डबल बॉन्ड c, ये वाला पाई बॉन्ड जो है ये आ जाएगा परपेंडिकुलर पोजीशन में, और जी वाला दूसरा प्लेन जी प्लेन में, इस तरह आएगा. फिर आगे वाला वाई फिर परपेंडिकुलर, और फिर आगे वाला जी प्लेन में. अब ये देखिए, ये जो पाई बॉन्ड है ये परपेंडिकुलर चले गए हैं, और ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ये पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर चले गए हैं ये वाले वर्टिकल पोजीशन में, और ये तो जो ग्रुप लगे हुए हैं ये किस पोजीशन में आएंगे? ये आएंगे इस पोजीशन में, परपेंडिकुलर इस तरह आएगा, परपेंडिकुलर इधर इस तरह आएगा, और ये वाले ग्रुप किधर आएंगे? इस पोजीशन में आएंगे. किस पोजीशन में आएंगे? इस पोजीशन में आएंगे, वर्टिकल आएंगे, इस पोजीशन में आएंगे. इस तरह देखिए, ये वाले हाइड्रोजन जो है, ये जो ग्रुप लगे हुए, ये किस पोजीशन में आएंगे? इस पोजीशन में आएंगे, और इधर जो ग्रुप लगे हुए हैं ये पाई बॉन्ड वर्टिकल है, तो ये इधर वाले ग्रुप किस जाने आएंगे? ये परपेंडिकुलर आएंगे. किस जानब चले जाएंगे? परपेंडिकुलर आएंगे. तो आप अभी इसकी सिमेट्री चेक करते हैं, इसमें सिमेट्रिकल है या नहीं है. तो ये दो ग्रुप इधर से लगे हुए हैं, और दो ग्रुप ऊपर और एक नीचे लगा हुआ है, परपेंडिकुलर पोजीशन में है. जब हम इसे इधर से काटेंगे तो इधर से काटता हुआ ऊपर वाले को और नीचे वाले को काटता हुआ, इस वाले साइड को और इस वाले साइड को अलग अलग कर देगा, इस तरह. ये वाले ये अलग हो गया, ये अलग हुआ, तो इसमें सिमेट्री मौजूद है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है. एक साइड तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, ऊपर वाले ये ऊपर लगा हुआ है, एक नीचे लगा हुआ है ग्रुप, तो हम इसे इस जानब से काटेंगे. किस तरह से? ऊपर लगा हुआ, एक नीचे लगा हुआ, इस तरह से काटेंगे, हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और एक हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा. तो इसमें एक साइड पर सिमेट्री इधर से आई, दूसरी वाली इधर से आई, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? दो हो गई. प्लेन ऑफ सिमेट्री दो हो गई तो ये क्या हो जाएगा?